एक स्पेस जहां पर बाजार की नजर बनी हुई है और अच्छा एक्शन आज सुबह आ रहा था, अभी यहां पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली है, वो है पूरे के पूरे रियल एस्टेट पैक। दमदार अपडेट्स भी आते हुए दिखे हैं अब तक तो ये तो आइए एक बार रियल एस्टेट पर नजर डालते हैं और जानते हैं देवांशी के साथ क्यों बाजार का भरोसा और बढ़ते हुए दिख रहा है जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है। देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए दो बड़े कारण हैं जिसके चलते आज हमने देखा जो रियल्टी इंडेक्स है वहां पे काफी अच्छी तेजी सुबह देखने मिल रही थी। सबसे पहला कारण है मोतीलाल ओसवाल की काफी पॉजिटिव बुकिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है। चार कंपनीज है जो उनको काफी पसंद आती हुई दिख रही है, लोडा है, ओबरा रियल्टी है, डीएलएफ है और गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे उन्होंने इनिशिएशन कवरेज दिए और साथ ही खरीदारी करने की राय भी दे रहे हैं। लोडा पर 1700 तक के टारगेट से, ओबरा रियल्टी पर 1200 तक के टारगेट से, डीएलएफ पर 450 तक के टारगेट से, हालांकि न्यूट्रल रेटिंग है और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ 2100 तक के टारगेट दे रहे हैं। इनका भरोसा है कि आने वाले समय में एक अपमूव देखने मिल सकता है, पूरे सेक्टर में करीब 19% तक के सीएजीआर ग्रोथ देखने मिल सकती है। जो एंट्री है वो काफी मैनेजेबल है और ज्यादातर उनको बैंगलुरु, पुणे और मुंबई प्रोजेक्ट से वहां पे काफी अपटिक देखने मिल रही है और ये कंपनीज उनको सबसे ज्यादा पसंद आती हुई दिख रही है। आने वाले समय में जिस तरह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, ब्याज दरें काफी कम है और कीमतें इतनी बढ़ती हुई नहीं दिखी है और इन सबका फायदा रियल एस्टेट पर आने वाले समय में भी देखने मिल सकता है और इसी के चलते उनको ये चार कंपनी सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। और उसमें भी लोडा को डीलेवरेजिंग यानी कि जो कर्ज कम करती हुई दिख रही है कंपनी, उसका फायदा दिख रहा है। और ओबरा रियल्टी में जिस तरह से जो प्रॉपर्टीज की बिक्री होती हुई दिख रही है, जो प्री सेल्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, वो भी दुगने होते हुए दिख सकते हैं। तो इसी के चलते ये चार कंपनीज पसंद आ रही हैं। यही नहीं, अगर आप ओवरऑल जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं तीसरी तिमाही के, अगर आप वो भी देखें तो आप देखिए आज प्रेस्टीज के नंबर्स आते हुए दिखे थे जो काफी शानदार थे। कंपनी ने अब तक की सबसे बेहतर तिमाही सेल्स दर्ज की है। जो ओवरऑल सेल्स है वो 111% ऊपर है, कलेक्शन 70% तक बढ़ते हुए दिखे थे। वहीं अगर आप माइक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा की बात करें तो उनकी जो बुकिंग्स थी वो 40% तक बढ़ती हुई दिखी थी और सिमिलर केस हमने ओबरा रियल्टी और शोभा में भी देखने मिली है। तो इन ऑल जो तीसरी तिमाही के अपडेट्स है वो तो मजबूत थे, लेकिन आज मोतीलाल ओसवाल को भी चार कंपनीज पसंद आ रही हैं, इन सबके चलते ओवरऑल सेक्टर में भी आज तेजी देखने मिली थी। बिल्कुल, तो ओवरऑल सेक्टर में भी आपको तेजी देखने को सुबह मिली थी, अब थोड़ा मूड माहौल यहाँ पर भी खराब होते दिख रहा है। 200 पॉइंट्स का कट निफ्टी में आपको इस समय आते दिखेगा। ओबरा रियल्टी इंटरेस्टिंग काउंटर है।